राम मंदिर को लेकर चल रही तैयारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा शंकराचार्य की हो रही है। खबरों में आपने सुना होगा कि शंकराचार्यों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। शंकराचार्यों के इस फैसले के बाद से लोग जानना चाहते हैं कि शंकराचार्य कौन होते हैं और उनका हिंदू धर्म में इतना महत्व क्यों है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों का विशेष महत्व होता है। शंकराचार्य सर्वोच्च गुरु का पद माना जाता है। पूरे देश में कुल 4 मठ हैं, जिनके 4 शंकराचार्य हैं। ये मठ गुजरात के द्वारका में, उत्तराखंड के जोशी मठ में, उड़ीसा के पुरी में और कर्नाटक के श्रृंगेरी में हैं। इन्हीं 4 मठों के प्रमुख अलग अलग 4 शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य पद की स्थापना कब हुई? ऐसा माना जाता है कि इस पद की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। आदि शंकराचार्य एक हिंदू दार्शनिक और धर्मगुरु थे। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने ही पूरे देश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया था और सनातन परंपरा को देश के 4 कोने में फैलाने के लिए 4 मठों की स्थापना की, जिन पर अपने शिष्यों को आसीन किया। उसके बाद से ही ये परंपरा चली आ रही है। हर मठ का अपना एक विशेष महावाक्य भी होता है। इन सभी 4 मठों की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी। शंकराचार्य बनने की योग्यता क्या है? खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक शंकराचार्य की नियुक्ति के लिए वो सन्यासी स्वभाव से त्यागी हो, ब्रह्मचारी हो, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत और पुराणों का ज्ञाता हो और राजनीति ना करता हो, ऐसा संत ही पीठ पर नियुक्त किया जा सकता है। 4 मठ सभी 4 दिशाओं में है। उत्तर मठ ज्योतिर्मठ जो कि जोशी मठ में है, पूर्वी मठ गोवर्धन मठ जो कि पुरी में है, दक्षिण मठ श्रृंगेश्वरी शारदा पीठ जो कि श्रृंगेरी में है, पश्चिमी मठ द्वारका पीठ जो कि द्वारका में है। चलते चलते अब आपको बताते हैं कि इन सभी 4 मठों के महावाक्य क्या है, इनका नाम क्या है और इनका मौजूदा शंकराचार्य कौन है। श्रृंगेरी मठ जो कि कर्नाटक के चकमंगलुरु में है, इसके पहले मठाधीश आचार्य सुरजेश्वरी थे, जिनका पूर्व में नाम मंडन मिश्र था। इस मठ की महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है और इससे यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। इसके मौजूदा शंकराचार्य जगतगुरु भारती तीर्थ है। गोवर्धन मठ जो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में है, इसके पहले मठाधीश आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मापाद हुए। इस मठ का महावाक्य प्रक्षाण ब्रह्म है और इससे ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। इसके मौजूदा शंकराचार्य निश्चला चलनंद सरस्वती हैं। अगला मठ है शारदा मठ जो गुजरात के द्वारका धाम में है, इसके पहले मठाधीश हस्ता मलक पृथ्वीधर थे। ये भी आदि शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्यों में से एक है। इस मठ का महावाक्य त्वत्मसी है और इसे सामवेद के नाम से जाना जाता है। इसके मौजूदा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हैं। उत्तरांचल के बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ यानी जोशी मठ है, इसके पहले मठाधीश आचार्य टोटक थे। इस मठ का महावाक्य ऐ महात्मा ब्रह्म है और इसे अर्थवेद के नाम से जाना जाता है। इसके मौजूदा शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद है। आपको बता दें कि इन 4 मठों के अलावा भी कांची मठ कांचीपुरम में स्थापित एक हिंदू मठ है। ये पंच भूस्थलों में एक है। यहाँ के मठाधीश्वर को शंकराचार्य कहते हैं। इसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। आज से दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक इसके शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।